ये है फायरबोल्ट हरिकेन, फ्लिपकार्ट का टॉप रेटेड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, 2000 के अंदर मिल रहा है, 15 डेज से मैं यूज कर रहा हूँ। इस नए साल में भी क्या इसको खरीदना चाहिए, उसका ही आंसर हम देने वाले। बॉक्स में फास्ट मिलता है वॉच, यूजर मैनुअल, 3 मंथ गाना सब्सक्रिप्शन, फ्री बुक माई शो मूवी टिकट, बोल्ट प्ले ऐप सब्सक्रिप्शन, वारंटी कार्ड, लास्ट पोगो चार्जिंग केबल। सेटअप प्रोसेस इज वेरी सिंपल, इंस्टॉल द डाफिट ऐप। ऐप ओपन करते ही इंटरफेस आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक इंटरफेस है। वॉच को ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, ये वाला वॉच है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी ये हो गया सक्सेसफुली कनेक्टेड, वॉच के जाके भी आप इसको देख सकते हैं, 63% बैटरी है। ओवरऑल डिजाइन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, एंड पीछे की तरफ कुछ ऐसा में सेंसर एंड बम्प एरिया देखने को मिलता है। साइड में ये जो चमक रहा है, ये मेटल है, प्लास्टिक नहीं। इसका जो लुक है, 2000 रुपीस का वॉच है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। साइड में ये जो मेटल दिया, बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, इसका अटेंशन आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। अभी वॉच के फुल इंटरफेस में आपको दिखाते हो क्या कुछ मेनू फीचर्स ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इसके फुल मेनू अगर आप व्यू करना चाहते हैं, स्वाइप अप से नहीं होगा, ये पे मैसेज ऑप्शन है। अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते तो ये पे फुल मेनू व्यू हो जाता है, देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फास्ट स्पोर्ट्स मोड, इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे स्पोर्ट्स मोड दिया है। स्पोर्ट्स मोड के ऊपर फायरबोल्ट बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन एंड काम कर रहा है। किसी को अगर आप ऑन करते तो देख सकते हैं इंटरफेस हमें कैसा देखने को मिल रहा है, 3, 2, 1 गो, एंड ये कुछ ऐसा स्पोर्ट्स मोड के अंदर मिलता है। इसके अंदर भी लेफ्ट राइट स्वाइप, स्टैटिक्स एंड प्ले पॉज का ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें, ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल फॉन्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीका फॉन्ट ये यूज किया है, जो अच्छा लग रहा है। अगला ये नोटिफिकेशन टैब, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे आता है। जितने सारे ऐप्स का नोटिफिकेशन परमिशन दोगे सब वहाँ पे ही आएगा। कैमरा शटर बटन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, एंड अलग से परमिशन देना पड़ता है फोन से। म्यूजिक का इंटरफेस बहुत ही बढ़िया है, म्यूजिक इंटरफेस के ऊपर फायरबोल्ट के अलग अलग वॉच के अंदर अलग अलग हमें म्यूजिक इंटरफेस देखने को मिलता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ये मोड दिया है, ऐसा हमें इंटरफेस देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा पीसफुल इंटरफेस यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद सेटिंग्स हम बाद में देंगे। गेम कुछ इनबिल्ट गेम दिया है, 2 गेम हमें मिलता है यंग बर्ड, तो ऐसे आप इस तरीका खेल सकते हैं। ग्राफिक्स पकड़ा भाई, आप देख लो बहुत ही ज्यादा स्मूथली काम कर रहा है। उसके बाद 2048, ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम है। स्टेप काउंट के लिए एडवांस लेवल ये चीजें हमें मिलता है, कितना स्टेप, कैलोरी एंड किलोमीटर डिस्टेंस कितना आप गए हो, सब कुछ ये पे शो करता है। और भी ज्यादा अगर आप स्क्रॉल करते हो तो गोल ये पे लिखा है, लास्ट 7 डेज सब कुछ स्टैटिक्स बढ़ा है। इतना ज्यादा एडवांस लेवल काम किया, इस प्राइस के अंदर इतने सारे एडवांस लेवल हमें फीचर मिलता है, ये सब कुछ देख के लग रहा है कि यस, स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल इनोवेशन हो रहा है। नाइट स्लीप डेटा आप ऐसे ही चेक कर सकते, जहाँ पे लाइट स्लीप, डीप स्लीप एंड जो टोटल स्लीप आवर है, एंड ये भी दिया है लास्ट 7 डेज स्टैटिक्स। और ज्यादा कुछ फीचर नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है, एंड इसको ऐसे आप राउंड करके खेल भी सकते हैं। ये चीज भी बहुत ही बढ़िया, ऐसे करके अगर आप छोड़ते हो अच्छा खासा राउंड मरता रहता है। एंड ये इसके नोटिफिकेशन बार कुछ ऐसा है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड, बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। सेटिंग्स ब्राइटनेस, वाइब्रेशन मोड के अंदर आप डाल सकते हैं, एंड ऐसे ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। टॉर्च लाइट के लिए ऐसे आप कुछ ऐसा इंतजाम कर सकते हैं। तो ये मूवी थिएटर के लिए अलग से लो ब्राइटनेस मोड दिया है, मतलब बहुत ही छोटे चीजों के ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान दिया है फायरबोल्ट ने। स्वाइप अप अगर आप करते हैं तो नोटिफिकेशन मेनू आ जाता है, तो नो मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज सब कुछ यहाँ पे शो करने लगेगा। एंड लेफ्ट राइट स्वाइप करने पर यहाँ पे भी कुछ विजेट दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल कर सकते। अब इसके सेटिंग्स मेनू में आपको दिखाता हूं, फास्ट ही मिलता है स्टॉप वॉच, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस। नेक्स्ट अलार्म के अंदर भी कॉमन इंटरफेस, टाइमर लगा सकते हैं। मेनू व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे लिस्ट व्यू में अगर आप करना चाहते देखना कि कैसा लिस्ट व्यू में आ रहा है, तो यस आप देख सकते हैं जो राउंड शेप में मेनू था वो लिस्ट व्यू में मेनू आ गया। नेक्स्ट ब्राइटनेस, बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम ब्राइटनेस कुछ ऐसा है, और ये इसका लोएस्ट ब्राइटनेस। थिएटर मोड, रीसेट, पावर ऑफ, अबाउट, QR कोड स्कैन। यहीं पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, बहुत सारे प्रीसेट वॉच फेस दिया है जो घड़ी के अंदर ही मिलता है, इसलिए मोबाइल ऐप के अंदर और भी ज्यादा दिया है। बट ऐसे आप क्विक एक्सेस करना चाहते कुछ सिलेक्टेड वॉच फेस के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये एनालॉग वॉच फेस बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, वैसे इंस्टेंटली सामने से देख के आप समझ नहीं सकते ये डिजिटल वॉच है या एनालॉग वॉच। ट्रेंडिंग इंटरफेस डिजाइन, ओके, इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, यस, इसके इंटरफेस जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल बनाया गया है, तो नए साल के अंदर भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बीट करना अभी भी उतना ज्यादा इजी नहीं है। इसका मेन USP है स्टाइलिश इंटरफेस एंड एक मेटालिक राउंड डायल बॉडी। अभी इसके मोबाइल ऐप इंटरफेस देख लो, ऐसा है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल हमें स्टैटिक्स विजेट मिल रहा है। इंस्टेंटली आप एक्सेस कर सकते हैं स्टेप, स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन एंड आउटडोर रनिंग डेटा। नेक्स्ट आता है वॉच टैब, यहाँ पे वॉच के मॉडल नंबर, वॉच कनेक्टेड है, 63% बैटरी है एंड रिमूव बटन। प्रीलोड इंस्टेंट जो वॉच फेस दिया है सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। अब जितने भी वॉच फेस यहाँ पे दिया है सारे मैं आपको एक एक करके दिखाई दूं, आप देख सकते हैं कितने सारे बढ़िया अच्छा खासा इंटरफेस दिया है, बहुत सारे एनिमेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। बोट तो वैसे प्रमोट करते हैं, फायरबोल्ट प्रमोट नहीं करता, उसके ऊपर भी इतने ज्यादा वॉच फेस दिया है। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन, यहाँ पे ऐप का
परमिशन आप दे सकते हैं। अदर्स के अंदर फाइंड डिवाइस, टाइम फॉर्मेट, यूनिट सिस्टम, डू नॉट डिस्टर्ब, रिमाइंडर टू मूव, बैटरी सेविंग, लैंग्वेज, ऑटोलॉक एंड रीसेट। अपग्रेड के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है। तो ये था इसका पूरा मोबाइल इंटरफेस टूर। एंड इसको स्क्रॉल करने से वैसे कुछ नहीं होता, बट इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो ये पे पावर ऑन ऑफ का शॉर्टकट मिल जाएगा। अब डिस्प्ले की बात करूं तो 1.3 इंच का HD डिस्प्ले दिया है, जो बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी एंड साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा सा कर्व्ड हमें मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले डार्क थीम के अंदर होने की वजह से फुल डिस्प्ले व्यू हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एक प्रीमियम लुक हर एक साइड से ये दे रहा है। एंड और एक चीज जिसका मुझे तारीफ करना ही पड़ेगा, इसके कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। जो भी कलर ये पे शो कर रहा है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली शो कर रहा है, तो एक एमोलेड स्क्रीन जैसा वाइब्स ये पे दे रहा है। एक्चुअली ये एमोलेड नहीं, HD डिस्प्ले, फिर भी ऊपर से देख के समझ में नहीं आता कि ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं। एंड इसको अगर आप रेगुलरली यूज करने वाले हो स्क्रीन प्रोटेक्शन लगा लेना, नहीं तो स्क्रैच लगने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब ये टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल ऑक्सीमीटर के साथ हम SpO2 एंड हार्ट रेट टेस्ट करके देखते हैं कितना ज्यादा सिमिलर रिजल्ट मिलता है। दोनों के अंदर ही रिजल्ट ये पे आ गया 98% SpO2 डिवाइस के अंदर, एंड वॉच के अंदर 97%। लगे हाथ हार्ट रेट भी देख लेते, रिजल्ट ये पे आ गया 83 वॉच के अंदर, 88 डिवाइस के अंदर, तो उतना भी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। फिर से एक बार ऑन ऑफ करके देख लेते, अभी डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं लग रहा है, बट ये कॉन्स्टेंटली माप रहा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो थोड़ा डिफरेंस हमें हार्ट रेट के अंदर देखने को मिल रहा है, बट SpO2 के अंदर उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्ड क्वालिटी मामले में बॉडी मटेरियल पूरा मेटल का बनाया है, ग्लॉसिनेस की वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑब्वियसली पीछे का सेंसर एरिया प्लास्टिक का है, जो हर वॉच में होता है। इस टाइप का जो फिनिशिंग है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, कंफर्टेबिलिटी बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आया। तो लॉन्ग टाइम अगर आप यूज करते हैं कंफर्टेबिलिटी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका एरिया साइज स्लाइटली बड़ा है, तो आपके हाथ के ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है तो उस टाइम प्रॉब्लम आ सकता है। ऑलवेज स्कर्ट टाइम पहनता था, फर्स्ट टाइम ऐसे राउंड ट्राई कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड ऑसम लग रहा है। तो सीरियस लग रहा है, व्हाइट कलर के स्ट्रैप हो देखें बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगता है। सीरियस नोट, मैंने एक चीज नोटिस किया, फायरबोल्ट के स्ट्रैप जो होता है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है, बहुत ही प्रीमियम इसकी क्वालिटी है। तो एक चीज मैं बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूं, फायरबोल्ट एक्सपीरियंस कंफर्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। यहां पे भी IP67 का वाटर रेजिस्टेंस दिया है, थोड़ा पानी के अंदर आप इसको खेल सकते हैं, बट जैसा मैं हर टाइम कहता हूं पानी से इसको बचा के रखिए, लॉन्ग टाइम के लिए इसको अगर यूज करना चाहते हैं। बैटरी बैकअप अच्छा खासा मिल जाता है, ये पे मेंशन किया 7 डेज के आसपास मिलता है, बट मेरे यूजेस के हिसाब से 8-9 डेज के आसपास मिलता है। ऑब्वियसली जैसे आपको ही पता है सभी सेंसर वगैरह आप ऑफ करके तो 10-15 डेज मिल जाता है। बैटरी के अंदर आई हैव नो इशू। अब ये कोई कॉलिंग स्मार्ट वॉच नहीं है, नॉर्मल एक सिंपल स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर सिंपल फीचर दिया है, एक बेसिक स्मार्ट वॉच है, बट डिजाइन एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। बट इसी प्राइस के अंदर आपको एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए तो रिसेंटली लॉन्च हुआ फायरबोल्ट का ये निंजा कॉल प्रो प्लस देख सकते हैं। इसके अंदर कॉलिंग फीचर दिया है और ये 2000 के अंदर मिल रहा है। तो आप क्वेश्चन था कि मैं इसको रिकमेंड करता हूं, यस मैं इसको रिकमेंड करता हूं। 2000 के अंदर एक ऑल इन वन प्रीमियम पैकेज मिल रहा है, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल यूजर्स पे 7-10 डेज बैटरी बैकअप, ऑप्टिमाइज्ड इंटरफेस एंड लास्ट नो कंफर्टेबिलिटी इशू। सो यस मैं इसको रिकमेंड करता हूं। रेटिंग्स के अनुसार मैं इसको देना चाहूंगा 4.5 आउट ऑफ 10।